हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू माय चैनल इंडिविजुअल्स पावर। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप पार्टनर के साथ मेंटेन करना चाहते हो तो फाइव बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज ट्रस्ट, सेकंड वन इज ट्रांसपेरेंसी, थर्ड वन इज रेस्पेक्ट, फोर्थ वन इज अंडरस्टैंडिंग एंड फिफ्थ वन इज लव। और आज का जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है वो स्टार्टिंग में लव आ जाता है, बाकी चार रूल होता है या नहीं होता है, इसलिए रिलेशनशिप टूट जाता है, आगे चल नहीं पाता। तो मैं आपको बताऊंगा कि पांच ये रूल्स एक दूसरे के साथ कैसे लिंक होता है और रिलेशनशिप में क्यों जरूरी है। फर्स्ट वन इज ट्रस्ट। ट्रस्ट मीन्स भरोसा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना। तो ये ऐसे तो बिल्ड नहीं हो पाएगा रिलेशनशिप में, इसके लिए सेकेंड रूल इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। अगर हम जो है अपने जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, पार्टनर को वही बताना है, उसी को फिगर आउट करके दिखाना है, तभी ट्रांसपेरेंसी बिल्ड होता है। जैसे कि हाथी में आप पता होगा, खाने वाला एक दांत होता है और दिखाने वाला दूसरा दांत होता है। अगर हम रिलेशनशिप में इस तरह मेंटेन करेंगे, ना ट्रस्ट बिल्ड बढ़ पाएगा ना ट्रांसपेरेंसी बन पाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। थर्ड वन इज रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मीन्स मैं आपको आप बोलूंगा और पार्टनर आप बोलेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट ये रेस्पेक्ट नहीं होता है। रेस्पेक्ट मीन्स अगर दोनों एक दूसरे का रिलेशनशिप में आते हैं तो 95% डिफरेंस होता है, सोचने में भी डिफरेंस होता है, एटीट्यूड में भी डिफरेंस होता है। तो पार्टनरशिप में ओनली 5% ही मैचिंग करता है। तो वो जो 95% ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस को समझना, उसको रेस्पेक्ट करना को रियल रेस्पेक्ट बोला जाता है। लाइक एग्जांपल, अगर एक लड़की ने शादी के बाद जॉब करना चाहता है और हस्बैंड चाहता है कि नहीं जॉब ना करे, और उसका फैमिली मेंबर भी चाहता है कि ना करे, ये जो डिफरेंस को हस्बैंड उसको समझना चाहिए और उसको प्राइवेसी देना है कि वो जॉब कर सके, इसको बोला जाता है रेस्पेक्ट। तो एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। फोर्थ वन इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग तभी बिल्ड हो पाएगा जब आपके पास ट्रस्ट रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा, रेस्पेक्ट रहेगा, तो अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को समझना, कोई भी सिचुएशन हो एक दूसरे के ऊपर बिलीव करना कि जो करेगा, जो कर रहा है सही ही है, ना कि एक दूसरे को उंगली करना। तो अंडरस्टैंडिंग, ये सारे चार पॉइंट बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप में एक लव जो फिफ्थ वन है उसको मेंटेन करने के लिए। अगर लव है, बाकी चारों नहीं है, तो लव सर्टन टाइम पीरियड ऑफ वो लव रहता है, वो लव नहीं है उसको अट्रैक्शन बोला जाता है। तो लव के लिए बाकी चार चीजें भी बहुत जरूरी है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप ये फाइव बेसिक प्रिंसिपल को आपके अंदर बिल्ड कर दीजिए।